पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की खबर सुनकर शहनाज गिल सदमे में चली गई हैं। पंजाब से ताल्लुक रखने वाली शहनाज की आंखों के सामने फिर वही सब दोहर गया है जैसा उन्होंने सिद्धार्थ शुक्ला की मौत के वक्त देखा था। सिद्धार्थ की तरह सिद्धू भी जवानी में इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। सिद्धार्थ की मौत के बाद शहनाज ने उनकी माँ को संभाला है। वो जानती हैं कि एक जवान बेटे को खोने का दर्द क्या होता है। सिद्धू की मौत पर शहनाज ने ऐसी बात लिख दी है कि पढ़कर लोगों का दिल फट गया है। शहनाज ने एक ट्वीट कर लिखा, किसी का जवान बेटा दुनिया छोड़कर चला जाए इससे बड़ा कोई और दुख नहीं हो सकता। वाहे गुरु जी मेहर करें। शहनाज की तरह कॉमेडियन कपिल शर्मा भी सिद्धू की मौत से बेहद दुखी है। वो सिद्धू को कभी अपने शो पर तो नहीं बुला सके लेकिन वो उन्हें बहुत पसंद करते थे। कपिल शर्मा को अब भी यकीन नहीं हो रहा कि सिद्धू को कोई इतनी बेरहमी से मार सकता है। सिद्धू की मौत पर कपिल ने ट्वीट करते हुए लिखा है, सतनाम श्री वाहेगुरु। बहुत ही चौंकाने वाली और बहुत ही दुखी करने वाली खबर। एक महान कलाकार और एक अद्भुत इंसान। भगवान उनके परिवार को शक्ति दे। सिद्धू की मौत से पूरे देश में तहलका मचा हुआ है। इस बीच सिद्धू को मारने की जिम्मेदारी टॉप मोस्ट गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई के साथ ही गोल्डी बराड़ ने ले ली है। उसने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए खुद ही बताया है कि उसने ही सिद्धू को मरवाया है। फिलहाल तो सिद्धू की मौत के बाद पंजाब में हलचल मची हुई है। लोगों को संभालना मुश्किल हो रहा है। लोग बस इस बात की मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सिद्धू के हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए। फिलहाल इस पर आप क्या कहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट में दीजिए। और ज्यादा ऐसी अपडेट्स के लिए बॉलीवुड पर चर्चा को सब्सक्राइब कीजिए।